प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको बताते हैं कि 4 डिजिट्स का हम कैसे स्केल आउट निकालते हैं विद द डिवीजन मेथड। अर्थात आप भाग के द्वारा कैसे आप 4 डिजिट नंबर का स्केल आउट निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड स्केल आउट ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स। जैसे 2224 हमने लिख लिया, इसका हमें स्केल रूट निकालना है, हमें फाइंड करना है इसका स्केल रूट क्या है। तो डिवीजन मेथड में क्या है, साइन निकालेंगे डिवीजन का, 2 2 2 4, 2224 का हम डिवीजन निकालते हैं। इस तरह हमने जुट बनाना है, ये दो दो का जुट बन गया। तो अब हमने क्या करना, रफ वर्क ले लेना है, रफ वर्क। इस 22 को हमने फर्स्ट डिवाइड करना है ऐसी संख्या से जो उसके मल्टीप्लाई उसी संख्या से हो, इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। जैसे एक लगाया, एक के साथ हो गया एक, दो लगाऊंगा, दो के साथ हो गया 4। 22 है, अगर मैं 4 × 4 कहता हूँ 16 आता है, अगर 5 × 5 कहता हूँ 25 आता है। 22 से ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ 4 लगाया, 4 के ऊपर डिवाइड किया, 16 आ गया। अब इसने इसको इस पावर दिया, 12 में से 6 गए, 12 में से या 6 के 6 आ गया, 24 ऊपर उठा लिया। अब 4 का डबल कर लेना है, 4 × 8, 4 का डबल है 8। इस 8 को यहां शो करना है। अब फिर अब वर्क आगे चलेगा, 8 पे आगे हमने 1 लगाना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना 81। हम 624 को डिवाइड कर रहे हैं, 81 नहीं जाएगा क्योंकि 81 एक पे नहीं जाएगा क्योंकि यह 624 काफी बड़ा है। इसको मैं करके देता हूं, 5 के ऊपर भेजता हूं उसको, 25 80 40 42, अभी भी बहुत बड़ा है। 7 के ऊपर, 7 के ऊपर बहुत बड़ा होगा, 8 के ऊपर भेज देते हैं, 64 64 64, ये तो 64 और 6 70, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 7 के ऊपर ही जाएगा, 77 4 7 8 56, 7 × 56 56 4 60, इसके ऊपर जाएगा। ओके ओके, यस, 609 आ गया, ये हम मारा गया 7 के ऊपर, ये 7 1। अब यहां पॉइंट लगा लिया, यहां पॉइंट लगा दिया, 2 0 ऐसे चलेंगे। अब ये नियम है, यहां हमने डबल करना है, 7 7 14, 4 4 8 1 9। अब देखो 9 4 के ऊपर आगे एक लगा के एक के साथ मल्टीप्लाई किया, 941, ये 700 काफी बड़ा है। तो 2 के ऊपर करके देखते हैं, 2 लगाया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 8 9 18। अब ये छोटा हो गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 941, ये गया ए के ऊपर, ये 10 में से 1 9 गया, ये आ गया 9, 9 में से 4 गई, 9 में से 4 गई, 5 आ गया, और यहां आपका 16 में से 9 गई, 16 में से 9 घटा दें 7 आ गया। ओके
तो ये आपका बैलेंस है, ऊपर से और 2 जीओ भी ले सकते हो, नीचे आ जाएंगी। फीस को डबल करके उसके आगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक क्लिक के उसको चेक करेंगे, इससे इक्वल हो या इसके बराबर हो। अभी हमारा ये आंसर आ गया है। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।